बच्चों आज हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम अम्ल और क्षार का कैसे परीक्षण करेंगे ये देखेंगे। इसके लिए हमने ये दो लिटमस पेपर लिए हैं, ये लाल लिटमस पेपर है और ये नीला लिटमस पेपर है। और साथ में प्रयोग करने के लिए हमने ये चार कटोरियाँ ली हैं। पहली कटोरी में टमाटर का रस है, दूसरे में नींबू का रस है, तीसरे में ये साबुन का घोल है और चौथे में ये नमक का पानी है। हम सभी जानते हैं जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें अम्ल होता है, जैसे ये टमाटर है और ये नींबू है इसमें अम्ल है, और साबुन में होता है क्षार और नमक का जो पानी होता है वो भी क्षार होता है। तो ये जो लिटमस पेपर है नीला लिटमस पेपर, ये अम्ल में डुबोने पर ये लाल रंग का हो जाएगा और जब ये क्षार में डुबोएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो लाल लिटमस पेपर है ये जब क्षार में डाला जाएगा तो ये लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा और अम्ल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम कर रहे हैं, लो बेटा ये डालो इसमें। अब ये बच्ची ये नीले लिटमस पेपर को टमाटर में डालेगी। टमाटर पे डालने पर ये देखिए ये कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया। अब दूसरा पेपर लो। हाँ, अब ये नींबू के घोल में डालेगी, ये कैसा हो गया, लाल। अब इसमें इसी घोल में अगर हम ये लाल लिटमस पेपर डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लो डालो। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब यही लाल लिटमस पेपर अगर हम क्षार में डालें तो क्षार में डालने पर लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला। ये थोड़ा देर रखने पे ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल और क्षार का परीक्षण कर सकते हैं। अगर आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए घर में गुड़हल का फूल लगा होता है और घर में हल्दी पाई जाती है तो उससे हम ये सूचक बना सकते हैं, इंडिकेटर बना सकते हैं। जो हल्दी रहती है वो क्षार के परीक्षण के लिए उपयोगी रहती है। हम क्या करेंगे, हल्दी को कटोरी में घोल लेंगे पानी में और इसमें एक कागज़ डाल देंगे तो वो भी एक सूचक का कार्य करेगा, और जैसे ही उसको क्षार में डालेंगे उस कागज़ को तो वो लाल रंग का हो जाएगा। तो इस तरह घर पे भी हम ये अगर लिटमस पेपर नहीं है तो इससे हम इंडिकेटर बना सकते हैं, गुड़हल का फूल और हल्दी से।